catch us, you must be fast. To beat us, you must be joking. भाई दुश्मनों को ना बिना डायलॉग के ही समझा देना, ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही कर सकती है एंड ऑल्सो इंडियन आर्मी। भाई हमारे देश के जवानों में वो दम तो है, इसलिए मूवीज में भी वो दम देखने को मिल रहा है। भाई दुश्मनों बच के रहना वरना औकात दिखा देंगे, ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, मूवीज में भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलना। भाई फाइटर का टीजर आ चुका है, जो एक नंबर है, जबरदस्त है। मतलब एरियल शॉट में यार ये फर्स्ट मूवी होने वाली है इंडिया की जो इतना फाड़ रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब जबरदस्त। भाई बॉलीवुड की ये फर्स्ट मूवी होने वाली है इंडियन एरियल शॉट्स में, जो बाय गॉड एक बार के लिए मैं कहूँ तो टॉप गन मैवरिक को चेस करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल टक्कर देने की कोशिश कर रही है। टीजर ऑसम है, वीएफएक्स सीजीआई सब कुछ में बारे में बात करेंगे, टीजर कैसा है कैसा नहीं। भाई एक बात है, टीजर को टीजर की तरह दिखाया गया, कहानी बिल्कुल रिवील नहीं करी, कुछ नहीं पता नहीं चल रही कहाँ से क्या होने वाला है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या सिनेरियो है। भाई जो कास्ट दिखाई गई है, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन मेन लीड में है, उसके बाद म्यूजिक बीजीएम ऑल आर अमेजिंग, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले करना वीडियो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, स्टार्टिंग विद पैट्रियोटिक म्यूजिक एंड वो बीजीएम बैकग्राउंड में जो चल रहा है, भाई दैट इज अमेजिंग। मतलब म्यूजिक से ही यार स्टार्ट से, और वो डायलॉग शुरू में लिखे आना कि टू कैच अस यू मस्ट बी फास्ट, टू बीट अस यू मस्ट बी जोकिंग, पीछे वो खतरनाक बीजीएम चलना, गूज़बम्स दे गया स्टार्टिंग में ही जबरदस्त। फिर दूसरा भाई जैसी तबाही 2023 में देखने को मिली थी, मतलब स्टार्टिंग से ही वही तबाही 2024 में भी रिपीट होते नजर आ रही है। मतलब सिद्धार्थ आनंद इस बंदे ने क्या कसम खाई है कि भाई साल की शुरुआत हम करेंगे, मतलब मैं करूंगा अपनी मूवी के साथ, और उसके बाद फिर देखो बॉलीवुड में चांदी ही चांदी है। लाइक 2023 में क्या हुआ था, पठान के साथ शुरुआत करी और बॉलीवुड में, उसके बाद जवान आई है, देन उसके बाद एनिमल मूवी चल रही, मतलब बॉलीवुड में दमदार मूवीज ब्लॉकबस्टर जा रही हैं। तो वही चीज 2024 में भी देखने को मिल रही है। रिपब्लिक डे पर 25 जनवरी को भाई फाइटर मूवी आ जानी है, ऋतिक रोशन के मेन लीड स्टारर में। दूसरा देशभक्ति की भावना का इमोशन जुड़ेगा तो ये मूवी और भी ज्यादा बूस्ट करेगी। मतलब बहुत टाइम से ठीक है मूवी आ रही थी, बट छोटी स्केल पे आ रही थी, लाइक सैम बहादुर का क्लैश एनिमल से हो गया, वरना ये मूवी बहुत फाड़ के जाती। लेकिन वो वही चीज की पैट्रियोटिक जो मूवी जाने वाली पहले जो चलती थी बॉलीवुड में, लेकिन उस हिसाब का उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो वाला मंजर देखने को नहीं मिला। शेरशाह में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद वो वाला मंजर देखने को नहीं मिला है। फाइटर वो करने वाली है भाई, फाइटर में जो दम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो मेन लीड पर है दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन एंड अनिल कपूर, भाई जम रहे हैं ये लोग एरियल शॉट में। मतलब ठीक है अभी तक जो ग्राउंड लेवल पर हमारी मूवी चलती थी इंडियन आर्मी को कवर करके, लाइक उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने वही देखा, शेरशाह में भी हमने वही देखा, ये नया एक्सपीरियंस होने वाला है एरियल शॉट में। मतलब पूरी मूवी भाई हमारे जेट्स लड़े जाएंगे, मैंने फुल मतलब कलाबाजियाँ देखी जाएंगी पूरी मूवी में, और वो लग भी रहा है, दमदार भी लग रहा है। टीजर को टीजर की तरह दिखाया है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ रिवील आउट कर दिया है, भाई कुछ पता नहीं चल रहा है कहानी क्या होने वाली है, किससे क्या फाइट होने वाली है। बस जो मेन शॉट है कि मूवी में क्या क्या होने वाला है, वो चीज़ जो दिखाने जरूरी है वही दिखाया है। दूसरा एरियल शॉट में ये मूवी दमदार होने वाली है भाई, एक बार के लिए ना टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक की याद दिला दी। अगर ये मूवी जरा भी ना उसकी हाइप को मैच कर जाती, ठीक है बराबर मैचअप नहीं भी कर पाई, क्योंकि वो हॉलीवुड की मूवी है, उनके पास बहुत से एडवांसमेंट होती है, बहुत से विजुअल इफेक्ट्स अच्छे खासे वो लोग डिजाइन कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वीएफएक्स एंड सीजीआई इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट इसमें भी बहुत दमदार देखने को मिल रहे हैं। अगर लेकिन फिर भी वो टॉप गन मैवरिक को ये मूवी जरा भी टक्कर दे देती है, जरा भी मतलब मैच में आ जाती है तो फाड़ जाएगी ये मूवी, क्योंकि वो ब्लॉकबस्टर मूवी है यार टॉप गन मैवरिक, और लग रहा है उसके नक्शे कदम पर ये मूवी चलती दिख रही है, और आ गया वैसा रिजल्ट तो फाड़े। दूसरा वो ऋतिक रोशन का हीरोइक लुक, एंट्री सीन, देन वो एंडिंग का सीन विद तिरंगा, भाई ऋतिक रोशन मतलब छाया पड़ा है यार, लग रहा है कि भाई यस, मतलब एयरफोर्स के जो जवान होते हैं फुल टिप टॉप हैंडसम गाय, एक मतलब क्लास जो मेंटेन करके रखते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, उनका अलग तरीके से चलना, मतलब पर्सनैलिटी जो होती है उनकी एक अलग हिसाब की होती है, और वो चीज़ बिल्कुल मैच खाते नजर आ रही है। मतलब ऋतिक रोशन बिल्कुल जम रहा है यार, इसके अलावा किसी और को भी ले लेते तो मुझे नहीं लगता था कि इतना जम जाते, तो फाड़ लग रहे हैं।
दमदार होने वाली है मूवी। देन उसके बाद दीपिका पादुकोण, भाई जम रही हैं ये लोग यार, ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाकई में इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं दीपिका पादुकोण। देन उसके बाद अनिल कपूर, भाई ये बंदा बुढ़ा कब होगा यार, क्या मतलब जम रहा है। एक सीनियर ऑफिसर कैसा होना चाहिए, उसका जो एटीट्यूड है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जबरदस्त लग रहा है। तो तीनों ही जबरदस्त हैं, ऋतिक रोशन मेन लीड में, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर सेकेंड मेन लीड रोल में, सपोर्टिंग कास्ट में, ऑसम होने वाली है मूवी भाई, दिल से वेट है इस मूवी का। उसके बाद लास्ट में वो तिरंगा के साथ ऋतिक रोशन का वो लुक, बैकग्राउंड में तिरंगा, देन उसके पीछे बीजीएम बजना, उसके पीछे भी और वो राष्ट्रगीत चलना, सुखलाम सुजलाम वंदे मातरम वाला, मूवी जबरदस्त है भाई। टीजर जैसा होना चाहिए वैसा ही है, ना लेंथी है ना इसमें बहुत कुछ रिवील आउट किया है, बस देखने को अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, सब कुछ टिप टू टॉप लग रहा है। तो अब ट्रेलर का वेट है यार कि हमें ट्रेलर में और क्या मिलने वाला है भाई। टीजर फार है, आप लोगों ने भी देख लिया तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट से जो बताया। वीडियो में जय।